आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ध्वजारोहण परेड का निरीक्षण कर ली जवानों से सलामी। जांजगीर चांपा हाई स्कूल मैदान में लिया गया पूरी तरह से सलामी। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया था। लाई दीदी संगी जोहरिया नोनी बाबू मल्ला सुराजी तिहार के पावन बेरामा गाड़ा गाड़ा बधाई। मैं आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ जिन्होंने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने के लिए एक सदी से अधिक लंबी लड़ाई लड़ी। अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रपुर के हजारों लोगों के बलिदान से देश आजाद हुआ था। हजारों लोगों ने आजादी की लड़ाई से लेकर भारत के नव निर्माण तक महती भूमिका निभाई थी। आज का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर छत्तीसगढ़ के वीर गुंडाधुर, पंडित रविशंकर शुक्ल ठाकुर, प्यारे लाल सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बैरिस्टर छेदीलाल यदि यदन लाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बचिहा, मौलाना अबुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणी बाई परगनिया, केकति बाई बघेल, तथा असंख्य गुमनाम कर्म योद्धाओं को याद करने और नमन करने का है। हमें इन स्वतंत्रता सेनानियों का वंशज होने पर आरएनएन न्यूज के लिए विनोद कुमार कश्यप की रिपोर्ट।